तो गाइज ये है हमारा पॉलिटेक्निक चौराहा। और गाइज मैं आपको बता दूँ, गाइज आप देख सकते हैं चौराहा काफ़ी बड़ा है, इसका एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए बता दूँ। ये देखिए ये बना है हमारा फुट ओवर ब्रिज, इधर से देखिए गाइज। अभी मैं आ गया हूँ फुट ओवर ब्रिज के ऊपर, ये देखिए। ये हमारा यहाँ से हमारा ये देखिए लेफ्ट साइड में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, दूसरी तरफ ये देखिए यहाँ पे आप नीचे उतर सकते हैं। और गाइस इधर आप देख सकते हैं, इधर हमारा जो सामने दिखाई दे रहा है कुकरेल पिकनिक स्पॉट और चंद्रिका देवी मंदिर। ये देखिए ब्रिज के नीचे ही हमारा नगर निगम का। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे हैं, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। तो गाइस आज के इस ब्लॉग में आपको दिखाऊँगा पॉलिटेक्निक चौराहा, और गाइस मैं बताऊँगा यही पॉलिटेक्निक चौराहे के बारे में आपको जानकारी दूँगा पूरा। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि इससे जो पिछला ब्लॉग था वो हमारा कमता चौराहा था। तो गाइस मैं आपको वहाँ पे बताया भी था कि कमता चौराहा से जो पॉलिटेक्निक चौराहा की जो दूरी है मात्र 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी है। और गाइस मैं आपको बता दूँ कि आज के इस ब्लॉग में मैं पूरा पॉलिटेक्निक चौराहा को एक्सप्लोर करूँगा। और गाइस मैं आपको अभी रियर कैमरे से आपको पूरा यहाँ का दिखाऊँगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइस तो चलते हैं देरी किए बिना, आपको मैं दिखाता हूं पूरा पॉलिटेक्निक चौराहा। तो गाइस ये है हमारा पॉलिटेक्निक चौराहा। और गाइस मैं आपको बता दूं ये लखनऊ का काफ़ी फेमस जगह है पॉलिटेक्निक चौराहा। ये देखिए कुछ ऐसा व्यू है ये पॉलिटेक्निक चौराहा का, ये देखिए पूरा ऐसा कुछ व्यू है ये। इधर हमारा गाइस मैं इधर बता दूँ आपको, ये जो पॉलिटेक्निक चौराहा से जो हमारा इस तरफ गया है ये हमारा लोहिया पार्क लेफ्ट साइड में, और गोमती नगर चारबाग रेलवे स्टेशन चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा और कानपुर सुल्तानपुर के लिए ये जो रोड गया है ये आपको पॉलिटेक्निक चौराहा से गया है इस साइड में। और गाइस मैं आपको बता दूं कि ये सामने सीधा हमारा निकल जाएगा कुकरेल पिकनिक स्पॉट और चंद्रिका देवी मंदिर के लिए, और राइट साइड में निकल जाएगा महादेवा और देवाशरी। ये पूरा है ये हमारा पॉलिटेक्निक चौराहा, देख सकते हैं चौराहा काफ़ी बड़ा है, इसका एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए ये देखिए हर तरह ये फुट ओवर ब्रिज बना रखा है ये देखिए, ताकि कोई समस्या ना हो पैदल जाने के लिए। ये देखिए पूरा ये ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहती है इसलिए पैदल बना रखा है। और गाइस मैं आपको बता दूँ ये देखिए एक बीच में जो दिख रहा है वो हमारा लखनऊ मेट्रो है, ये देखिए ये हमारा लखनऊ मेट्रो है ये। तो गाइस चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर पैदल जो पुल बना है उसके ऊपर से आप पूरा पॉलिटेक्निक चौराहा को। मैं बता दूँ ये देखिए ये बना है हमारा फुट ओवर ब्रिज, इधर से देखिए गाइस, इधर से हम चलेंगे अभी फुट ओवर ब्रिज के ऊपर मैं, और मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ पूरा पॉलिटेक्निक चौराहे को। ये देखिए ये कुछ ऐसा है, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे और उधर से ही आपको दिखाऊँगा पूरा पॉलिटेक्निक चौराहा। और गाइस अभी मैं आ गया हूँ फुट ओवर ब्रिज के ऊपर, ये देखिए, और मैं आपको फुट ओवर ब्रिज से बारी बारी चौराहे का सभी रास्ता दिखाता हूँ और पूरा आपको बताता हूँ। तो गाइस सबसे पहले ये देख लीजिए, इधर जो हमारा ये जो रोड गया है ये राइट साइड में ये देखिए फैजाबाद हो गया है, और सामने हमारा मुंशी पुलिया और सीतापुर को चला गया है ये रोड। ये देखिए, ये देखिए उधर भी एक हाईवे गया, और ये ऊपर देखिए हमारा ये लखनऊ मेट्रो है ये। ये देखिए और गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल को का वीडियो देखते हैं तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको अगर आप हमारे चैनल पे आते हैं तो आपको लखनऊ सिटी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेंगी। तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा दूँ आपको कि चौराहा काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा है ये। ये देखिए ये एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए इतना लंबा ये फुट ओवर ब्रिज है। और गाइस मैं आपको दिखाता हूँ पूरा इधर की, देखिए ये देखिए पूरा ये देखिए हमारा
यहाँ से हमारा ये देखिए लेफ्ट साइड में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, 1 किलोमीटर उच्च न्यायालय, 2 किलोमीटर उत्तर प्रदेश सूचना आयोग, 2 किलोमीटर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, ये भी 2 ही किलोमीटर। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ भाई, ये देखिए ये पूरा है। और यहीं से आप लोहिया पार्क 4 किलोमीटर, गोमती नगर 7 किलोमीटर, चारबाग रेलवे स्टेशन 11 किलोमीटर, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा 18 किलोमीटर, कानपुर 88 किलोमीटर और सुल्तानपुर है 45 किलोमीटर। मैं आपको पूरा ये जूम करके दिखा रहा हूँ। और गाइस ये है पूरा यहाँ से लखनऊ सिटी का पूरा ये व्यू, ये देखिए पूरी ये 8 लेन सड़क है, पूरी हाईवे है ये पूरा देखिए। मैं आपको ये जो सीधा जो रोड गया था उसके बारे में नहीं बताया था, तो बता दूं आपको ये जो रोड गया है लखनऊ सिटी के अंदर HAL निजातगंज और लखनऊ की सुविधालय की तरफ ये रोड चला गया है। और ये देखिए गाइस ऐसा व्यू है यहाँ का, यहाँ से ये आगे टीन लगा रखा है, दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए यहाँ से दिखाता हूँ आपको यहाँ का व्यू। और गाइस बताऊँ कि फुटओवर ब्रिज के ऊपर से आने के बाद आपको यहाँ से आप फिर दूसरी तरफ ये देखिए यहाँ पे आप नीचे उतर सकते हैं, और फिर आगे यहाँ से फिर कहीं भी जाना है वहाँ से फिर ऑटो पकड़ के आप कहीं भी जा सकते हैं। तो गाइस चले चलते हैं और मैं आपको दूसरी तरफ का दिखाता हूँ। बहुत ही लखनऊ का महत्वपूर्ण चौराहा है ये, पॉलिटेक्निक चौराहा, और लखनऊ मुझे लग रहा है इससे बड़ा कोई चौराहा होगा नहीं। और गाइस इधर आप देख सकते हैं, इधर हमारा जो सामने दिखाई दे रहा है कुकरेल पिकनिक स्पॉट और चंद्रिका देवी मंदिर। गाइस मुझे भी एक बार जाना है, अभी मैं आगे नेक्स्ट ब्लॉग में अभी कुकरेल पिकनिक स्पॉट यहाँ मुझे जाना है, मैंने इसका नाम बहुत सुन रखा है, मैं वहाँ भी एक बार जाऊँगा और आपको इसका वीडियो दिखाऊँगा। और ये देखिए कुछ अच्छा है ये रास्ता आगे निजातगंज जाने के लिए आगे। और गाइस अभी हम चौराहे की दूसरी तरफ आ गए हैं, और ये देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ एक बार जो पॉलिटेक्निक चौराहे का पूरा एक व्यू, ये देखिए गाइस। ये देखिए गाइस ये पूरा इधर हमारा कुकरेल पिकनिक स्पॉट और चंद्रिका देवी मंदिर का ही इधर का रास्ता है ये जो ब्रिज के नीचे जा रहे हैं हम। और ये देखिए गाइस चलते हैं गाइस दूसरी तरफ और उधर का भी थोड़ा दिखाता हूँ। ये देखिए देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ पर हरियाली है, ये देख कितना तो भरा भरा पूरा बना रखा है इसको। ये देखिए ब्रिज के नीचे ही हमारा नगर निगम का सार्वजनिक शौचालय भी है इधर, ये देखिए। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैंने पूरा आपको पॉलिटेक्निक चौराहे के बारे में बताया और आपको पूरा पॉलिटेक्निक चौराहे का एक व्यू दिखाया। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं तो कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और गाइस मैं आपको बता दूं कि आते हैं तो आपको लखनऊ से संबंधित पूरी जानकारी आपको जरूर बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, और गाइस एक बार ज़रूर हमारे चैनल पर विजिट करें और हमारे चैनल के वीडियो को देखें और कमेंट करके बताएँ कि आपको वीडियो हमारी कैसी लगती है। तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, राम राम।